अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है सैंडविच ढोकले की। सैंडविच ढोकले के लिए हम भीगा हुआ चावल लिए हैं 1 कप, आधा कप हम उड़द दाल भीगी हुई लिए हैं। इसे हम 5 से 6 घंटा भिगा के रख के ढोकला बना रहे हैं। इसे हम बारीक सा मेही पीस लेंगे। ढोकले की चटनी के लिए हम 1 टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, 2 चाय का चम्मच बेसन लिए हैं, नमक स्वाद अनुसार। इन सबको भी हम अच्छा सा महीन सा पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा ये बैटर भी अच्छे से पीस लिए हम, तैयार हो गया ये भी अच्छे से। और चटनी भी हमारी जो बनाए हैं हम, उसे अच्छे से पीस के चिटकी भर ग्रीन फूड कलर ऐड किए हैं इसमें। सैंडविच ढोकले की चटनी भी तैयार हो गई है। अब इसमें हम 1/2 चाय के चम्मच से भी थोड़ा सा कम मीठा खाने वाला सोडा ऐड कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल अगर आपको तेज़ी रहेगा 2 से 3 घंटा भिगा के आप बना सकते हैं। हम इसे 6 घंटा चावल को और दाल को भिगा के रखे हैं। इसमें हम 1 चटनी में हम ढोकले का बैटर ऐड किए हैं थोड़ा सा, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटनी में भी नमक हम पहले से डाल लिए थे। अगर आपको फूड कलर नहीं डालना है तो हरा धनिया भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें तेल ऐड कर रहे हैं ढोकले के बैटर में, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हम, चलिए इसे हम साइड पे करते हैं। ढोकले का हम जिसमें हम ढोकला बनाना है वो थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हमने पहले से इसमें थोड़ा सा तेल या जो आप ऑयल कहते हैं वो ऐड कर लिया है। इसे हम चारों ओर अच्छे से लगा लें। हम थोड़ा सा थाला बड़ा लिए हैं, हमारा बड़ा है ढोकला बनाने के लिए, इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा थाला लिए हैं। चारों ओर हमने अच्छे से तेल लगा लिया थाले में अपने। हम ढोकले का बैटर आधा इसमें ऐड करेंगे, आधा हम बाद में ऐड करेंगे। अगर आपको तो इस तरीके से अंदाज़ा ना लगे तो आप किसी बर्तन से नाप के इसमें डाल सकते हैं। 1 किलो से हमारा ज़्यादा है ढोकले का बैटर, इसीलिए हम बड़े थाले में बना रहे हैं। इसे हम अच्छे से हिला लेंगे, हमारा सेट हो जाएगा। चलिए हम एक बड़े से पतीले में पानी पहले से गर्म करके रखे थे उसके अंदर हम इसको रख के स्टीम करेंगे। पहले हम 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद अपना ग्रीन वाला जो है बैटर वो ऐड करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं हमारा हल्का सा तैयार हो गया है। अब इसमें हम अपना ये ग्रीन वाला ऐड कर रहे हैं, इसे भी हम चारों अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक फिर ढककर भर देंगे। 5 मिनट हो गया, ये भी हमारा अच्छे से इसमें सेट हो गया है। अब हम जो बचा हुआ बैटर है वो ऐड कर रहे हैं। इसे हम 10 मिनट तक फिर से ढककर पकाएंगे। देखिए हमारा ढोकला सैंडविच ढोकला बनके तैयार हो गया। हम पहले चेक कर लेते हैं
देखिए ना, देखिए हमारा चाकू में ज़रा सा नहीं लगा है। चलिए हम इसे गैस से निकाल के ठंडा कर लेते हैं। पहले तड़के के लिए हम एक बड़ा चम्मच तेल लिए हैं और एक चाय का चम्मच राई दाना लिए हैं। इसमें हम 2-3 हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर लिए हैं। गैस हम अब बंद कर रहे हैं। सारा हम तड़का जो है अपना, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको इसमें से निकाल कर डिश आउट कर लेते हैं। हरे धनिया से हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे और बाकी बचा हुआ हमारा सैंडविच ढोकले को भी आप देख सकते हैं कितना आराम से इससे हम निकाले हैं। देखो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।